हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। यूट्यूब पे पहली बार डीईसी की पूरी सिलेबस के साथ फ्री क्लासेस आने वाली हैं। आने क्या वाली हैं, आ ही गई है। आज आपकी हिंदी मीडियम की फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर हम DECE 1, आपको पता है आप जब डीसी में एडमिशन लेते हो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, DC 1, DC 2, DC 3, DC 4, 3 सब्जेक्ट के असाइनमेंट बनाने होते हैं और पेपर देने होते हैं, चौथा आपका प्रोजेक्ट होता है। तो ये जो फर्स्ट DECE 1 है, बच्चों के लिए देखभाल सेवाओं का संगठन, ये ब्लॉक 1 में, अगर आप यहाँ पर देखते हो ब्लॉक 1 है, ये यहाँ पर लिखा है ना ब्लॉक 1, इसके अंदर अगर आप हम नीचे नीचे जाते हैं इस बुक्स के, तो इस ब्लॉक 1 के अंदर आपको क्या क्या दिखता है, चैप्टर 1, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5। ब्लॉक 1 के अंदर ये 5 इकाई आती है, यानी कि 5 चैप्टर्स आते हैं। हम हर क्लास में 1 इकाई करेंगे, यानी कि 1 चैप्टर करेंगे। और सिर्फ यही नहीं है कि DC 1 के ये 5 ही वो हैं, नहीं, इसके बाद ब्लॉक 2 आएगा, ब्लॉक 3 आएगा, ब्लॉक 4 आएगा, तो ऑर्डर वाइज सारी क्लासेस आती जाएंगी। ये है हिंदी मीडियम की क्लासेस। इंग्लिश मीडियम की वीडियोस अलग से आएंगी। चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है मैंने DECE फुल सिलेबस करके, उसके अंदर आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी। अब सोचने वाली बात ये है क्या कि मैम हमारे घर बुक्स आ गई हैं, तो आपके पास तो ये बुक्स आ गई हैं, जिनके पास बुक्स नहीं आई उनको ये बुक्स कहाँ से मिलेंगी। ठीक है, आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा होगा, ये है हमारा लेवल अप लर्निंग का टेलीग्राम चैनल। अगर आप इसमें थोड़ा सा ऊपर ऊपर जाओगे, ये बुक्स वाली जो चीज है ना मैं पिन कर दूंगी तो आपके सबसे ऊपर आएगी, तो 28 जुलाई को मैंने ये सारी की सारी बुक्स की PDF अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दी थी। क्या करना है, यहाँ टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, यहाँ फाइल्स वाले सेक्शन पे जाओगे, हिंदी इंग्लिश की सारी बुक्स, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सारी की सारी बुक्स मिल जाएंगी, वहां से ले सकते हो, बिल्कुल फ्री है और पढ़ सकते हो। ठीक है जी, तो आज की जो वीडियो रहने वाली है, आज की वीडियो में क्या होगा, आज की वीडियो में हम इकाई 1 बाल्यकाल के अनुभव के ऊपर बात करेंगे, बिल्कुल ना आसानी से, टेंशन फ्री होके मैं आपको समझाऊंगी। आपको भी टेंशन फ्री होके पढ़ना है, आपको एग्जाम से पहले कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी अगर आपने ये सारी की सारी क्लासेस अटेंड की हैं। ये फुल सिलेबस की वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की अलग वीडियोस होंगी, और अगर आपने डीसी में एडमिशन ले रखा है तो डीसी के सॉल्व असाइनमेंट हो, प्रोजेक्ट हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, वहां से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो, जो कि आपको मदद करेगा 90+ लाने में। जैसे ही पिछले सेशन वाले बच्चों के रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, हमारा फोन में बच्चों की मार्कशीटें भर गई हैं 90+ वालों की, जो कि जल्दी मैं शेयर करूंगी अपने चैनल पे। फिलहाल बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पढ़ाई को। इकाई 1, अब आप इसमें थोड़ा सा नीचे जाओगे, नीचे जाओगे तो थोड़ी सी बुक की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, हम सीधा हमारे किस पे पहुंच जाएंगे, चैप्टर नंबर 1 पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 ना बिल्कुल ये नहीं है, अब आप कहो कि मैम एक एक चीज पढ़ाओगे, एक एक चीज पढ़ाने से बढ़िया है एक एक चीज समझना, क्योंकि अब ये जो किताब है, ये जो बुक है, ठीक है जी, समझने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। तो हम आपके लिए सारी चीजें लेकर आए हैं, आपको बस प्यार से देखना है। बाल्यकाल के अनुभव, अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने इसमें किन किन मेन चीजों की बात कही है वो बताया गया है, प्रस्तावना बेसिकली इंट्रोडक्शन दी हुई है, कैसा होता है बचपन, बचपन के बारे में बताया, इस चैप्टर में क्या क्या होगा वो बता रही हो, बाल्यावस्था का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, लिंग से लड़का है या लड़की कैसे इंपैक्ट होगा, सामाजिक वर्ग, रिच मतलब उसकी फैमिली रिच है या पुअर है, धर्म कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, पारंपरिक पारिवारिक संरचना और परस्पर संबंध, एक दूसरे के साथ कैसा संबंध है, कैसी संरचना है, और परिस्थितिक संदर्भ, इन सब चीजों को मिलाकर इस चैप्टर में बात की गई है। नॉर्मली देखो, टीचर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है आपको सारी की सारी चीजें पढ़ाना, और आपका भी फर्ज बनता है पढ़ना, लेकिन अगर मुझसे फ्रेंकली पूछा जाए तो इस चैप्टर से नॉर्मली कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ठीक है जी, तो मैं बस जितनी ये वीडियो दे रही हूँ, बस इस वीडियो को एक बार सुन लेना, और कोई टेंशन की बात है नहीं। प्रस्तावना में बेसिकली इन्होंने ये बोला है कि
वैसे तो हम कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे सबका अलग अलग भिन्न भिन्न एक्सपीरियंस होता है। हो सकता है एक बच्चा दिल्ली में पैदा हुआ है, ठीक है, तो दिल्ली में उसको जो एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, जो इन्वायरमेंट मिल रहे हैं, लेकिन जो दूसरा बच्चा पंजाब में पैदा हुआ है उसको थोड़े डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिल रहे होंगे। जो तीसरा बच्चा दुबई में पैदा हुआ है या किसी और कंट्री में पैदा हुआ है उसको अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। और हमें जैसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं हम वैसे ही बड़े होते हैं। तो बेसिकली अब ये इस चैप्टर में ये बात करने वाले हैं कि बच्चों को किस किस टाइप के एक्सपीरियंस मिलते हैं और वो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है जी, इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है? बच्चों में कुछ आम अनुभवों और उनकी विशेषताओं की व्याख्या करना कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके नॉर्मल क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं, ठीक है जी, और उनकी विशेषताएं क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहे, क्या होता है बचपन? बचपन देखो एक ऐसी चीज है कि आप एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते कि ये है बचपन, वो है बचपन। हर बच्चे का बचपन अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर बच्चे के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। अगर आप कहते हो कि आप इग्नू की बुक से पढ़ने बैठे हो तो पहली बात कहते हो मैम सर पकड़ के बैठ गई, कुछ समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत डिटेल में दिया होता है, बहुत डिटेल में दिया होता है, बहुत एग्जांपल्स दिए होते हैं आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आप चाहते हो क्या फटाफट से पढ़ के पास हो जाए। तो कोई बात नहीं, फटाफट से पढ़ के पास होने वाले बताएंगे। इन्होंने ना दो तीन यहाँ पे एक्सपीरियंसेस दिए हैं। क्या? कि एक 5 साल का बच्चा है, बहुत चुस्त और जिज्ञासु है, मम्मी से पूछता रहता है। अगर मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल एक बार थोड़ा सा समझाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि इससे क्वेश्चन तो बनने वाला है नहीं, है ना। माला एक 5 वर्षीय फुर्तीली चुस्त एवं जिज्ञासु बालिका है। एक दिन दोपहर को खाना खाते हुए उसकी नजर आलू की सब्जी के में सरसों के दाने पर पड़ती है। वह उसे निकालकर खेलने लगती है। आलू की सब्जी बनी हुई थी, उसके अंदर सरसों के दाने थे, उसने सरसों के दाने निकाल लिए और उससे खेलने लग गए। वह उसे ऊपर फेंकती है और जैसे दाना मेज पर गिरता है वे कहती है देखो माँ ये एक छोटी सी गेंद है, शायद इससे चींटियां खेलती होंगी। अब गेंद का नॉर्मल साइज इतना होता है, सब्जी में से उसने निकाल दी, क्या सब्जी में से निकाल दी, सरसों के दाने छोटे छोटे होते हैं, उन्हें ऊपर फेंकती है, टेबल पे गिरते हैं। देखो माँ ये गेंद है, इतनी छोटी गेंद, इससे तो चींटियां खेलती होंगी। अब उसको क्या पता कि भाई ये तो एक इंग्रेडिएंट है जो सब्जी के अंदर डलता है। बच्चे हैं, जिज्ञासा है, अपने मन मर्जी से कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो क्या इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा? नहीं, नहीं पूछा जाएगा। तो आप पढ़ के समझ के इसका क्या करोगे? ठीक है, अगर हम नीचे जाते हैं तो ये सारे की सारी चीजें ना यही बता रही है क्या कि उपयुक्त घटनाएं बच्चे की भावनाओं का उनका खेल के प्रति लगाव प्रदर्शित करती है। केवल ये जो चीजें हैं ना बस बच्चों की डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को बता रही है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को बता रही है। तो हम नीचे चले जाते हैं। नीचे यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं, वयस्कों की तरह बच्चों की। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट आता है कि वयस्कों की तरह बच्चों में भी विचार और भावनाएं होती है। ठीक है जी, कि बच्चों के भी कुछ विचार होते हैं, कुछ भावनाएं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप नीचे जाओगे तो वो नीचे ना एक पॉइंट पे बहुत सारे एग्जांपल्स देने के बाद वो बच्चे की रचनाओं के बारे में बताएंगे। बच्चे बड़ों की दुनिया से बहुत आकर्षित होते हैं। इन्होंने मेन छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हुए हैं बच्चे की विशेषताओं के बारे में। बच्चे की विशेषताओं के बारे में कैसे कि बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं। ठीक है जी, अब बच्चे क्या होते हैं, बच्चों के अंदर ना वो होता है बहुत सोचने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमसे थोड़ी अलग होती है। तो इन सब बातों में ना उन्होंने बस यही बताया हुआ है, एक यहाँ का बच्चा है उसने ये करा, एक वहां का बच्चा है उसने ये करा। ये आपके मतलब की चीज नहीं है, यहां से आपके मतलब की चीज आती है। बाल्यावस्था का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। अब अगर पूरी का पूरा इस शॉर्ट में मैं आपको ये बताया जाऊं तो ये यहाँ पर कह रहे हैं सभी बच्चे विकास के दौरान एक भाषा बोलना सीख जाते हैं। ठीक है जी, अब अगर मान लो आपके पंजाब में एक बच्चा है, वो पंजाब में बड़ा हो रहा है, तो नॉर्मली सी बात है उसके ना एक्सेंट में बहुत ही फ्लुएंटली पंजाबी आ जाएगी, पंजाबी में बात करना स्टार्ट कर देगा वो। ठीक है जी, लेकिन यही हमारे दिल्ली में बच्चा कोई पैदा होता है, दिल्ली में बड़ा हो रहा है, तो उसके
बातों में ना आपको साफ साफ हिंदी नजर आएगी, किसी और कंट्री में है तो वहां की बातों में उसकी वहां की भाषा नजर आएगी। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने आसपास के एक्सपीरियंसेस से समझता है कि क्या हो रहा है, कौन कैसे बात कर रहा है। कुछ वर्ड्स हम उसे सिखाते नहीं है लेकिन उसे वैसे ही आते हैं। कैसे? क्योंकि उसने कहीं से सुने होते हैं, सुने होते हैं। तो अब ये कह रहा है बच्चे के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो किन किन चीजों पर बेस्ड होते हैं, किन किन चीजों पर बेस्ड होते हैं। सबसे पहला है क्या? सबसे पहला है लिंग। लिंग कैसे है? अब जो घर में लड़का पैदा हुआ है, जो घर में लड़की पैदा हुई है, दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग अलग रहेंगे। अलग अलग कैसे रहेंगे? अब हो सकता है, आजकल तो वैसे ऐसा नहीं होता लेकिन अभी भी कुछ पिछड़े इलाकों में, कुछ गांवों में ऐसा माना जाता है, जब तो घर में लड़का पैदा हो गया तब तो ढोल धमाके करके घर में लड़के को लेकर आएंगे कि भाई हमारा वंश आगे चलेगा, लड़का पैदा हुआ है। लेकिन लड़की पैदा हो जाए तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे लड़की पैदा हो गई। तो ये जो माँ बाप का एक्सपीरियंस है, मतलब सोच है, वो थ्रू आउट द लाइफ इम्पैक्ट करेगी। अगर कोई गरीब घर वाला है, उसके पास थोड़े से रिसोर्सेज है तो कम कहेंगे इतनी सैलरी में ना बस हम लड़के को स्कूल भेज देते हैं, लड़की को तो स्कूल भेज के क्या ही करेंगे, इसने तो कल को दूसरे घर चले जाना है। तो लड़की के लिए एक्सपीरियंस डिफरेंट हो गया ना, लड़की को कहेंगे कि घर में थोड़ा सा घर का काम सीख लो, आगे काम आएगा या वो आएगा, लेकिन लड़के को स्कूल भेज देंगे। तो यहाँ पर दोनों का, लड़का और लड़की का, अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो ये बाल्यावस्था की एक्सपीरियंस की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है जी, लिंग के बारे में सारी चीजें वही समझाई हुई है, वही समझाई हुई है। तो अब हम आ जाते हैं सामाजिक वर्ग पे। सामाजिक वर्ग क्या कहता है? सामाजिक वर्ग हमारा ये कहता है कि जो बच्चा है वो अमीर घर में पैदा हुआ है, मिडिल क्लास में पैदा हुआ है या पुअर क्लास में पैदा हुआ है। यहाँ पर किताबों में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, बहुत सी बातें देखकर तुम्हें हो जाएगी टेंशन। टेंशन हमें तुम्हें देनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट में समझा देंगे। अगर बच्चा अमीर घर में पैदा हुआ है तो उसके माँ बाप उसको अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, ठीक है जी, अच्छे एक्सपीरियंसेस देंगे, अच्छे टॉयज लाकर देंगे, खाने पीने का पौष्टिक आहार देंगे, सारी की सारी अच्छी चीजें देंगे कि भाई उस बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो और उसका जो बचपन होगा वो बहुत हंसते खेलते स्मूथ होगा। ठीक है, तो उस बच्चे के लिए चाइल्डहुड जो एज है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है जी, बढ़िया है। तो लेकिन जो मिडिल क्लास वाला होगा, मिडिल क्लास वाला होगा तो बच्चे को खाना तो अच्छे देंगे और भी रिसोर्सेस देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे से उसका जो चीजें होंगी वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। हालांकि नॉर्मल क्लास, मिडिल क्लास वाले अपने बच्चों को अच्छी अपब्रिंगिंग दे सकते हैं और वो बिल्कुल अच्छी रहेगी जितनी रिक्वायर्ड है, लेकिन ये हो जाएगा कि रिच वाले में ज्यादा ही वो कहते ना बच्चे को सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है तो उसके लिए तो ज्यादा ही वो स्मूथ जाएगा बचपन। ठीक है, तो मिडिल क्लास वाला ये हो गया। लेकिन अगर कोई बच्चा पुअर फैमिली में बोर्न हुआ है जहां पर बहुत कम कमाई होती है तो ना उसको ढंग से खाना मिल पाता है, ना उसको स्कूल भेजते हैं, ना उसको अच्छे से कपड़े दिलवाते हैं, ऑल्सो बहुत ही छोटी उम्र में उनको थोड़े थोड़े काम करने पड़ जाते हैं। कई बार उसकी मम्मी क्या करती है, कहती है कि मेरे को किसी के घर पे आसपास मेड है वो घर पे बर्तन मांजने जाना है तो बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए, या थोड़ी बहन बड़ी होगी तो छोटे भाई का तू ध्यान रखियो, घर का काम तू करके रखियो, या हमारा भी हाथ बटाओ इस काम में। तो गरीब वाले परिवार में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके लिए बचपन इतना स्मूथ नहीं रहेगा, उसके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। तो इस चैप्टर में बेसिकली यही बात हो रही है कि सब बच्चों के लिए कैसे अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। तो यहाँ पे सारा का सारा सामाजिक वर्ग के बेसिस पे इन्होंने बता दिया, मध्यम और उच्च परिवार का सारी चीजों को ना, ये मैं किताब को, बुक को बिल्कुल पढ़कर आती हूँ और इसका जो मेन चीज होता है वो बताती हूँ। अब यहाँ पे ना इन्होंने ये बताया हुआ है
कुछ लोग, गरीब लोग क्या करते हैं, अपने छोटे बच्चों को ना कुछ ऐसी फैक्ट्रियां होती हैं जिनमें वो चाइल्ड लेबर करवाने लग जाते हैं। आपको पता है चाइल्ड लेबर हमारे इंडिया में इलीगल है, बिल्कुल जेल हो जाएगी जो उस बच्चों से काम करवाएगा, लेकिन लोग मानते नहीं है। अगर आपने बहुत उधर की साइड देखा हो तो वहां पे बच्चे मतलब बैंगल्स बना रहे होते हैं, बहुत ऐसी ऐसी केमिकल इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे होते हैं जहां उनको केमिकल्स में हाथ घुसाना पड़ता है और क्या होता है, और 5-6 साल काम करके ही उन बच्चों को, अभी बेचारे 15-16 साल के होते हैं, उनको कैंसर हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, स्किन डिसीजेस हो जाती है। तो एक बच्चा जो रिच परिवार में पैदा हुआ है उसके लिए तो बहुत ही स्मूथ था ये सिस्टम। पैदा हुए, मांगा पानी, पानी मिल गया, राजमा चावल मांगे, राजमा चावल मिल गए, ये टॉय मांगा, वो टॉय मांगा, जो मांगा सब मिल गया। लेकिन लेकिन क्या कह रहे हैं, बच्चे के लिए वो इतना स्मूथ नहीं हुआ जो गरीब घर का बच्चा था। गरीब घर के बच्चे के लिए तो उसको मेहनत करनी पड़ी, काम करना पड़ा। तो इस हिसाब से दो बच्चे सेम एज के, दोनों का बचपन अलग अलग होता है। ठीक है जी, दोनों का बचपन अलग अलग होता है। तो उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। ये कुछ प्रश्न है, अब ये मत बोलना मैम इन प्रश्नों में से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, नहीं आते। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनकी डायरेक्ट मैंने रिवीजन करवा रखी है, आगे भी करवाऊंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ अगर आप हमसे 100 रुपीज की ले लोगे, एक सब्जेक्ट की, तीनों सब्जेक्ट्स की 300 की, तो उसके अंदर मैंने सारे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस इंक्लूड किए होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूड की होती हैं जो पेपर में आती हैं। तो इतनी किताबें तो पढ़नी नहीं पड़ती। ठीक है जी, अब नीचे आ जाते हैं। नीचे कह रहे हैं धर्म। अब आप किस धर्म, मतलब बच्चा जिस फैमिली में बॉर्न हुआ है वो किस धर्म को फॉलो करते हैं, उसका भी उसकी एक्सपीरियंसेस पे इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि अगर एक हिंदू फैमिली में बच्चा बॉर्न होता है तो उसमें एक सेरेमनी होती है, नामकरण सेरेमनी, जिसमें बच्चे का नाम रखा जाता है। अन्नप्राशन संस्कार होता है जिसमें बच्चे को पहला थोड़ा सॉलिड फूड खिलाया जाता है। मुंडन होता है जिसमें उसके बाल उतार दिए जाते हैं पहली बार। ठीक है, ऐसे ही फिर वो आगे बता रहे हैं कि ईसाइयों की भी कुछ धर्म विधियां होती हैं, मुसलमानों की भी कुछ धर्म विधियां होती हैं। तो आपका क्या धर्म है, आप जिस धर्म में पैदा हुए हो, आपकी फैमिली जिस धर्म में है, वो भी इम्पैक्ट करेंगे आपके एक्सपीरियंसेस को। ठीक है, पारंपरिक संरचना और परस्पर संबंध, परिवार के सदस्यों का बालिका या बालक के साथ कैसा संबंध है। अब क्या कहते हैं, आजकल हम होते जा रहे हैं मॉडर्न। ठीक है, पहले होता था बाहर आदमी काम करता था, लेडीज जो होती थी वो घर में बच्चों को संभालती थी, बच्चों को अपना ध्यान देती थी। लेकिन महंगाई का जमाना इतना बढ़ता जा रहा है, अब दोनों वर्किंग होते हैं, लड़का भी काम कर रहा है, लड़की भी काम कर रही है, चले जाते हैं कभी पीछे छोटे बड़े भाई बहन के भरोसे बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं। तो बच्चे को वो लव, बच्चे को वो केयर नहीं मिल पाती जो उसे मिलनी चाहिए। क्या कह रही हूँ, जो उसे लव और केयर मिलनी चाहिए माँ बाप से, वो मिल ही नहीं पाती, किसी के पास टाइम ही नहीं होता, आते हैं वैसे ही थके आ रहे होते हैं, सो जाते हैं। तो वो बच्चा जिसके पास माँ बाप प्रॉपर उसको टाइम दे रहे हैं, उसके साथ टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, उसके एक्सपीरियंसेस, या दूसरा जिसके माँ बाप ने बस पैदा करके छोड़ दिया, बस तू बड़ा होता रहेगा लेकिन हमें पैसे कमाने हैं, उस दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग रहेंगे। तो इसलिए बच्चा पैदा करने के बाद आपको बच्चे को प्रॉपर अपब्रिंगिंग देनी है, प्रॉपर उसको अपना लव केयर अफेक्शन देना है, ताकि उसका चाइल्डहुड अच्छा बना रहे। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं, ये सारी चीजें ये डिटेल में यही बताया हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ। पारिस्थितिक संदर्भ, पारिस्थितिक संदर्भ का तात्पर्य है भौतिक वातावरण। एक बच्चा पहाड़ों में पैदा हुआ, माउंटेन्स में, एक बच्चा पैदा हुआ गांव में, एक बच्चा पैदा हुआ शहर में, सबकी एक्सपीरियंसेस अलग अलग है। जो शहर वाले बच्चे होते हैं ना, आपको पता है उन्हें ये भी नहीं पता होता, एक बहुत ही फनी इंसिडेंट है इसमें भी मेंशन है, जो शहर वाली बच्ची थी ना उसको पता ही नहीं था कि दूध भैंस देती है या गाय देती है। कह रही दूध तो वो वाली शॉप से मिलता है ना, वहां पे टोकन डालो और दूध मिल जाता है या थैली मिल जाती है। लेकिन जो गांव का बच्चा होगा उसको पता होगा कि गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, कैसे दूध देती है, ये भी प्रोसेस पता होगा। पहाड़ों वाले बच्चों को वहां की एक्सपीरियंसेस के बारे में पता होगा। तो हर बच्चे का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो फिर एक सेकेंड, ठीक है, नीचे आ जाते हैं। नीचे क्या कह रहे हैं,
मैं आपको फिर बता रही हूँ, अभी तक डीसी के किसी पेपर में इससे तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए इस चैप्टर से, बट फिर भी पढ़ाना मेरा फर्ज है। शहर में रहने वाले बच्चे का अनुभव कैसा होगा, गांव में रहने वाले बच्चे का अनुभव कैसा होगा, उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। जनजाति क्षेत्र में रहने का अनुभव, सबका अनुभव अलग अलग होगा। यहाँ पे एंड में कुछ क्वेश्चन आए जो कि आपसे ये कभी नहीं पूछे जाते, और सारांश आ गया। सारांश यानी कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में क्या था, ये मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई सिमरन मैम ने जो पढ़ाया है वो सब चीजें सही थी। ठीक है जी, एक सेकंड। सारांश, इस इकाई में आपने पढ़ा कि उत्सुकता, खोजबीन, अन्वेषण की अभिलाषा और विनोप्रिया, कल्पनाशीलता, व्यस्कों की नकल करना आदि गुण बच्चों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। बच्चों के अंदर खोजबीन करने की भी मजा आता है, उनको अन्वेषण की भी अभिलाषा होती है, कल्पनाशीलता भी होती है, व्यस्कों का नकल करने का भी गुण होता है। बचपन के बहुत से अनुभव सार्वभौम होते हैं, फिर भी सामाजिक संस्कृति परिवेश की भिन्नता के कारण प्रत्येक बच्चे का बचपन भिन्न होता है। जैसे मैंने की बताया, 2 साल के 2 बच्चे हैं, ठीक है, सेम एज के हैं लेकिन दोनों के एक्सपीरियंसेस बिल्कुल अलग होंगे। बचपन के अनुभवों को प्रभावित करने वाले एक कारक है लिंग। लिंग क्या, आप लड़का हो या लड़की, लड़के को अलग एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं घर में, लड़की को अलग एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। ये मेरे ख्याल से पहले जमाने में होता था या गांव में होता था, आजकल हम इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं, आजकल हम कोई फर्क नहीं करते लड़का लड़की में। बच्चे की बातचीत, कपड़े, व्यवहार और जीवन मूल्य तक इससे निर्धारित होते हैं। लड़के को अच्छे अच्छे कपड़े ला के दे रहे हैं, लड़की के लिए नहीं ला कर दे रहे, ठीक है जी। व्यवहार, लड़के को समझाया जाता है, लड़के रोते नहीं, यू आर स्ट्रॉन्ग बॉय, लेकिन लड़कियों को समझाया जाता है ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, कल को तुमने किसी और के घर में जाना है, ऐसे बहस नहीं करते। तो ये दोनों को अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं ना, और यही कारण है कि खाने पीने, कपड़ों और शिक्षा, माता पिता के प्यार में लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। उपलब्ध सुविधाएं और अवसर का अभाव पूर्व ग्रह और मजबूत करते हैं, ठीक है जी। अब निम्न सामाजिक वर्ग के बच्चों को बहुत से मूलभूत आवश्यकताएं और अभिलाषाएं पूर्ण नहीं हो पाती। जो गरीब घर का बच्चा होता है, गरीब घर के बच्चे के सारी की सारी चीजें पूरी नहीं हो पाती। आर्थिक कठिनाइयों के कारण बच्चों को छोटी उम्र में जल्द ही काम करना पड़ जाता है। गरीबी है, पैसे लाने की उनको, घर वालों को वो होता है तो उनको काम पे लगा देते हैं। कभी कभी बच्चों को जोखिम भरे काम भी करने पड़ते हैं और वे स्कूल नहीं जा पाते। एक और गलती क्या करते हैं, उनको स्कूल नहीं भेजते। स्कूल नहीं भेजेंगे तो बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं, पढ़े लिखेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे, फिर बस वहीं अटके रह जाएंगे गरीबी में, ठीक है जी। और कभी कभी काम करने पड़ते हैं। मध्यम और उच्च वर्ग के बच्चों को इस प्रकार की कमियों का सामना नहीं करना पड़ता। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं या जो रिच होते हैं वो अपने बच्चों से काम नहीं करवाते, उनको प्रॉपर स्कूल भेजते हैं। धर्म, मान्यताएं, प्रवृत्तियां और विश्वास निर्धारित करता है जिससे बच्चों के लिए आचार संहिता की रूपरेखा तैयार होती है। बालिका का जीवन का केंद्र बिंदु उसका परिवार होता है। बच्चे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसकी फैमिली होती है, क्योंकि बच्चा तो सिर्फ माँ बाप के साथ ही रहता है ना, अपनी फैमिली के साथ रहता है, जिससे वे काफी हद तक प्रभावित होता है। अब उसके माँ बाप घर में जो है वो उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उससे उसकी एक्सपीरियंसेस पे बहुत फर्क पड़ता है। जिस प्रकार के परिवार में वह रहती है और परिवार के सदस्यों का आपसी व्यवहार उसके विकास को प्रभावित करता है। परिस्थिति का बालिका के कला कौशल और योग्यताओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है कि वो कितनी डेवलप हो पाएगी। बालिका का रहन सहन काफी हद तक इसके निर्धारित होता है कि वह गांव में बड़ी हुई है या शहर में, ठीक है जी। उसके बाद ये क्वेश्चंस आ गए, क्वेश्चंस आने के बाद ये हमारी आ गई इकाई 2, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कैसे कवर करेंगे, इस वीडियो पे ढेर सारा प्यार, मैं बोल रही हूँ फिर से, इतना लंबा सेशन, मतलब आप मान रहे हो इतनी ज्यादा चैप्टर्स हैं, DC 1 के, DC 2 के, DC 3 के, हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग, सब मैं फ्री यूट्यूब पे कराने वाली हूँ। इवन दो
मेरे को पता है कि मेरे नोट्स हैं जो कि बच्चे एग्जाम से पहले लेते हैं, फिर भी मैं ये चीजें फ्री में करवा रही हूँ, जिसके लिए मेरे को भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन इस मेहनत का परिणाम यही है, फल यही है, तुम्हारा प्यार। जितने मुझे इस वीडियो पे व्यूज दिखेंगे ना, उतने मुझे नीचे कमेंट्स दिखने चाहिए कि मैम ये क्लास समझ आ गई। अगर कुछ नहीं समझ आया तो वो भी पूछ लेना, ठीक है जी। नीचे लिख देना मैम ये क्लास समझ आ गई, और नेक्स्ट क्लास का वेट कर रहे हैं। जितना ज्यादा वेट उतनी जल्दी आपकी क्लास आ जाएगी। इसके साथ साथ DEC का सॉल्ड असाइनमेंट लेना चाहो, DC1, DC2, DC3, हमसे मिल जाएगा बेस्ट असाइनमेंट। पूरे YouTube पे कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो पढ़ा रहा है या जो इसके बारे में पढ़ा हुआ है, बस इधर उधर से सब आंसर चेप के तुम्हें बांटने में लगे हुए हैं, प्रमोशन करने में लगे हुए हैं। पढ़ाने वाला शिक्षक, पढ़ाने वाला टीचर कोई नहीं है, वो सिर्फ हम ही है। हम ही बिल्कुल रिसर्च करके सारी चीजें सॉल्व कर रहे हैं, वो तो कॉपी मार रहे हैं। प्रोजेक्ट, बेस्ट प्रोजेक्ट, डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ कैसे वीडियो बनानी है, नई बनानी, कैसे सबमिट करने हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कैसे 90+ मार्क्स लेकर आने हैं। बहुत से बच्चों के हमारे 90+ मार्क्स आते हैं, तो सारी टिप्स बताऊंगी। एग्जाम्स की तैयारी के लिए, ये तो रही बुक्स, देखो इतनी बुक्स मुझे पता है तुम नहीं पढ़ पाओगे, आई नो दैट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF लोगे जो मैंने खुद ने बनाए हैं, खुद ने सॉल्व करे हैं पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के बेसिस पे, क्वेश्चन विद प्रॉपर आंसर्स, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज में मिल जाएंगे। और अगर हमारी पेड क्लासेस लेना चाहो, 599 का क्रैश कोर्स है, जिसके अंदर उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को समझाते हुए पढ़ाते हुए की मेरी वीडियोस भी मिलेंगी, तो फिर इतनी ज्यादा क्लासेस नहीं देखनी पड़ेंगी। बाकी आपकी मर्जी है कैसे आगे क्या करना चाहते हो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अपने शिक्षक को, अपने टीचर को सही तरीके से चुनना, ये मत चुनना कि ये ज्यादा वीडियोस डाल रहा है इसको फॉलो कर लूं, वो वीडियोस डाल रहा है उसको फॉलो कर लूं। समझदार टीचर को चुनना जो कि आपको आगे भी मदद कर पाए। इसके बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए क्लासेस हम चैनल पे डालते रहते हैं, तो आप साथ साथ वो भी प्रिपेयर कर सकते हो, ताकि जब ये डिप्लोमा करके हटो तो जो भी जॉब की वैकेंसी आ रही है फटाफट से उसमें अप्लाई कर पाओ। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंग्लिश मीडियम की वीडियो अलग आ जाएगी, प्लेलिस्ट बना दी है DECE हिंदी फुल सिलेबस करके, उसके अंदर ये वीडियोस को देख लेना, प्यार दे देना, अपने आसपास फ्रेंड्स वगैरह सबको शेयर कर देना। और लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर सिर्फ और सिर्फ वही है जो वीडियो पे शो रहा है। लेटेस्ट मटेरियल मेरे द्वारा सॉल्व किया गया जो कि आपको मदद करेगा 90+ स्कोर करने की। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि देख सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप देखोगे तो सारे के सारे अपडेट्स आते रहते हैं, कौन सी क्लास आ गई, कौन से नए प्रोजेक्ट, जैसे ये है कि न्यू प्रोजेक्ट्स रेडी हो गए हैं, आप लेना चाहो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हो, कौन सी क्लास आ रही है प्रोजेक्ट की, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी की सारी चीजें पता चलती रहती हैं, इसे ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।